हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल पोर्शन रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एनर्जी। बिकॉज इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन थ्योरीज को अपन डिस्कस कर चुके हैं, उनमें कुछ अपन को रेडिएशन ऑब्टेन हुए हैं, उन्हीं को यूज करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व करते हैं और इससे आप और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो एज ए HW जो आपको मिलेंगे। तो अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ऑफ रेडिएशन हूज फ्रीक्वेंसी 5×10⁴14 हर्ट्ज। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो अपन ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी डिस्कस की थी उसमें रेडिएशन आया था E=hν। क्लियर बेटा, E=hν। यहाँ पर न्यू गिवन है, अपन को क्या निकालना है, यहाँ पर 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है। अपन को क्या करना है, 1 मोल फोटोन की एनर्जी यहाँ पर अपन को फाइंड आउट करनी है, जो अपन को किस फॉर्म में गिवन थी, 1 आइंस्टीन एनर्जी की फॉर्म में गिवन थी। वो सारे फॉर्मूले अपने पास में आए हैं। सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल्स अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसमें आपको लैंग्वेज जो गिवन होती है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि विच वैल्यू इज गिवन इन दिस न्यूमेरिकल या इन दिस क्वेश्चन। क्लियर, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यूज है वो अपन यहाँ पर राइट करेंगे, उसके बाद फिर जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा उसकी बात करेंगे, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। गिवन क्या है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, ऑलवेज ऑलवेज गिवन है आपकी फ्रिक्वेंसी ν=5×10⁴14 हर्ट्ज। और हर्ट्ज को अपन क्या लिख सकते हैं, और सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं या साइकिल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है, आपको क्या करना है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन फाइंड आउट करनी। क्लियर, फॉर्मूला क्या है अपने पास में, E=hν। ये कहां से आया फॉर्मूला आपका, प्लैंक क्वांटम थ्योरी से। क्लियर, और अगर अपन को 1 मोल फोटोन के लिए फाइंड आउट करना है तो वहां पर अपन क्या करेंगे, 1 मोल फोटोन, तो क्या होगा, E=n₀hν। राइट, यहां पर आप वैल्यू लिख सकते हो, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट। तो यहां पर देखो उसकी वैल्यू क्या थी, 6.626×10⁻¹⁴ J/s। क्लियर, फिर अपने पास में किसकी वैल्यू लिख पड़ेगी, n₀, दैट इज द एवोगाड्रो नंबर। क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, 6.022×10⁻²। दैट इज क्लियर। अब यहां पर एनर्जी के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट अप कर दो, न्यू गिवन है आपके पास में, देखो एन 6.022×10⁻¹⁴ इंटू, न्यू की वैल्यू क्या है, 5×10⁻¹⁴ हर्ट्ज। अब देखो बेटा, यहां पर यूनिट आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सारी यूनिट को आप रखोगे तो अपने पास में एक ही यूनिट ऑटोमेटिकली यहां पर अपन को ऑब्टेन होगी। मैं आपको बता देता हूं, रिक्वायर्ड है नहीं, इसकी यूनिट पर मोल होती है,
और अपन यूज करते नहीं है, इसकी उड़ क्या है आपकी जूल सेकंड, इसकी उड़ क्या है आपकी पर सेकंड, दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बच गया अपने पास में जूल। इसकी उड़ अपन रखेंगे मोल इनवर्स, क्या रखेंगे इसकी मोल इनवर्स राइट, तो जूल पर मोल आ जाएगा अपने पास में क्लियर। तो यहां पर यूनिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यूनिट आपकी क्या होती है ऑप्टेन हो जाती है जो भी अपन को फाइंड आउट करना होता है उसके अकॉर्डिंग क्लियर। हाँ अगर कोई वैल्यू आपकी सीजीएस या एमकेएस में जैसे मीटर या सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रोम में, जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे गिवन है तो वहां अपन पहले ही चेंजेस कर लेते हैं क्लियर, क्योंकि सारी वैल्यूज अगर एक ही सिस्टम में होगी तो अपने पास में जो आंसर की यूनिट आएगी वो आपकी क्या आएगी क्लियरली सेम सिस्टम में आएगी राइट। अब इसके लिए यहाँ पे अपन इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अपने पास में जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी अपने पास में 199.51 kg जूल पर राइट। मैंने आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन बताया आपको तो यहां पर 199.51 kg जूल पर, यहां पर इसकी वैल्यू अपन क्या लेंगे मोल इनवर्स। तो देखो कैसे आए देख लीजिए, केजी क्योंकि पावर अपने पास में 10^3 थी उसे अकॉर्डिंग अपन ने यहां पर इसको सेट कर दिया क्लियर। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट कैसे आया, इसकी वैल्यू जो आती है देखो मैं दोबारा बता रहा हूं मैं आपको E² इस वैल्यू पे 6.022 × 10^23 इसमें क्या आएगा मोल इनवर्स इंटू 6.626 × 10^-34 इसमें क्या आएगा जूल सेकंड, और फिर क्या आपके पास में 5 × 10^14 इसमें क्या आएगा सेकंड इनवर्स। तो देखो सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल तो अपने पास में क्या बचा मोल इनवर्स और जूल। केजी इसलिए आया कि पावर आपके पास में 10^3 इसमें रिमेनिंग होती है उसको अपन केजी में कन्वर्ट कर लेते राइट। अपने पास में फाइनल इसका जो आंसर है वो क्या होगा 199.51 kg जूल पर मोल इज द एनर्जी ऑफ वन मोल फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन मोल फोटॉन। इट इज क्लियर, कोई डाउट है सारी कैलकुलेशन आपके सामने, मल्टीप्लिकेशन अंत आपको करना होगा, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर यहां पर इसमें लिखा क्लियर। आगे चले सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी फोटोन ऑफ लाइट विद द वेवलेंथ ऑफ 400 picometer आर necessary टू प्रोवाइड 1 joule ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका हाउ मेनी फोटोन ऑफ लाइट विद ए वेवलेंथ ऑफ 4000 picometer आर necessary टू प्रोवाइड 1 joule ऑफ एनर्जी। ये कह रहा है कोई भी आपकी लाइट है उसकी वेवलेंथ 400 picometer है, अगर उसको 1 joule एनर्जी प्रोवाइड करवाएं तो कितने फोटोन वो अपन को देगा। क्या आपको ध्यान है जैसे अपने पास में ये लाइट है, इस लाइट में जो एनर्जी है वो कितनी है 1 joule और इसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है आपको 400 picometer, तब इसमें से निकलने वाले जो फोटोन होंगे उसको अपन ने क्वांटा या फोटोन कहा था, उस क्वांटा या फोटोन की नंबर्स कितने होंगे। जब ये अपन को नंबर्स निकालने होती है तो दो सेम वैल्यूज ऑब्टेन होती है, ध्यान देना बेटा जब ये अपन को नंबर फाइंड आउट करना होता है तो वी कैलकुलेट द सेम वैल्यूज ऑफ एनर्जी या जो भी आपको गिवन है। तो यहां पर अपने पास में एक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, दूसरी एनर्जी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, फिर इसको अपन मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या करेंगे आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपना सिस्टम क्या कहता है, गिवन वैल्यू क्या है और क्या फाइंड आउट आपको करना है। देखिए बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका,
गिवन क्या है, राइट? गिवन है आपके पास में वेवलेंथ, वेवलेंथ किससे नोट करते हैं, लैम्ब्डा से, वो कितनी है 400 पिकोमीटर। तो चेंज कर सकते हैं अपन, चेंज कर लो बेटा 400 इंटू 10^-12 मीटर। वी नो डेट 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर, इट इज क्लियर? देन रिप्लेस पिकोमीटर बाई 10^-12 मीटर। यहाँ पावर प्लस में इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 × 10^-9 मीटर। 3 + 12 - तो माइनस की कितनी हो जाएगी 9। बात क्लियर है, कोई डाउट है? आगे चले, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या निकालना है आपको, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो क्या था फॉर्मूला अपने पास में, E = h nu। आप जानते हो न्यू इक्वल टू क्या है, सी अपॉन लैम्डा। न्यू गिवन नहीं है आपको, क्या गिवन है, लैम्डा। और न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है तो सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड। क्लियर? एच भी गिवन है, एच की वैल्यू कितनी है, 6.626 × 10^-34 जूल सेकंड। देख लीजिए ए इक्वल टू एच न्यू, तो फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में E = hc/λ। न्यू इक्वल टू क्या होता है, c/λ। सी की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड। एच प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू इज 6.626 × 10^-34 जूल सेकंड। इट इज क्लियर? वैल्यू रखो आप E = एस की वैल्यू दो 6.626 × 10^-34 × 3 × 10^8 / λ की वैल्यू कितनी है, 4 × 10^-9। अब देखो फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि यूनिट आपको मेंशन नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली सारे यूनिट आपकी कैंसिल आउट होके ई की फॉर्म में अपन को ऑप्टेन होगी। चाहे वो देख लो इसमें इसकी कितनी है, एच की जूल सेकंड, इसी कितनी है मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन, इसी कितनी है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल और इससे ये कैंसिल, क्या बच गया अपने पास में जूल। ई की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी अपने पास में जूल। तो ये आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जब यूनिट आपकी अदर सिस्टम में गिवन हो मीटर से सेंटीमीटर तो फिर वहां पे आपको कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा बेटा वो कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन जो ऑप्टेन होगा वो होगा आपका 4.97 × 10^-17 जूल। क्लियर? अब इसके बाद में आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। तो अपन क्या करेंगे, 1 / एनर्जी ऑफ फोटोन, प्रोवाइड एनर्जी कितनी है 1 जूल, और ये 1 × 4.97 × 10^-17 इन दोनों को ये जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है? तो यहां पर अपने पास होगा 2.01 × 10^14 फोटोन। कितने फोटोन अपने को ऑब्टेन होंगे, बात क्लियर है, कोई डाउट है? अपने पास एनर्जी ऑफ फोटोन अपन ने फाइंड आउट कर ली, जो प्रोवाइड एनर्जी वो 1 जूल है, तो 1 जूल / एनर्जी ऑफ फोटोन, तो अपने पास क्या जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन, जिनकी वैल्यू जो होगी 2.01 × 10^14 फोटोन। क्लियर? तो यहां पर सॉरी इसमें 16 आएगा, 2.01 × 10^16 फोटोन। क्लियर? तो अपन ने यहां पर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी,
और वेवलेंथ से रिगार्डिंग 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ फाइल में और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए गिवन है। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।